वजह से आप लोगों ने ये लॉकडाउन लगाया है। आज भी शटर्स दुकानों के बंद ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप प्लीज़ गाड़ी में बैठकर इस शहर का दौरा करें, आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी, जहां एटलीस्ट मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, दुकानदार बाहर बैठे हैं, ठीक है, वो दरवाज़ा खोलते हैं, सब काम होता है, दे देते हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल गायब है। आपने डबल सवारी की इजाज़त दे दी, ट्रिपल सवारी भी हो रही है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, कोई रोकने वाला नहीं है, तो फ़ायदा क्या होगा फिर? देखिए नादिया, जहाँ तक आपने बात की कि अपनी गाड़ी में चक्कर लगा लें या विज़िट कर लें, तो मैं सुबह से यही काम कर रहा था। मैं 5-6 वैक्सीनेशन सेंटर्स पे गया हूँ, खुद जाके इनको व्यू किया है। आज ट्रांसपोर्टर हजरात भी, जिन्होंने जुज़वी ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी है, उनको फुल फ्लैश कहा है कि जो उनके ऑन द रूट जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ तक भी फैसिलिटेट करें सबको, और वो लिस्ट भी चस्पा कर दें कि कौन कौन से रूट पर कौन कौन से वैक्सीनेशन सेंटर्स आ रहे हैं। और जहाँ तक दुकानों की आपने बात की, जहाँ जहाँ से मैं गुजरा हूँ, मार्केट्स कम्प्लीटली सील्ड ऑफ हैं, सारी बंद हैं, पुलिस मोबाइल गश्त कर रही हैं। मैं आपकी बात को इसलिए गलत नहीं कहूँगा कि नोबडी इज़ परफेक्ट। अगर मुल्क में किसी जगह पे कोई भी ये दावा करेगा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो वो गलत कह रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी वाकयात हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे मसले इश्यूज आते हैं जिन पे फौरन कार्रवाई होती है। जिस तरह आपने निशानदही की किसी जगह की, तो फौरन वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुंचेगी। देखिए इतना बड़ा कराची है, सारी पुलिस जो है वो डिप्लॉय की हुई है, ऑन द रोड है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रोड है, हेल्थ डिपार्टमेंट अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स को देख रहा है। देखिए सब लोग जितना हो सकता है एफर्ट ले रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है, हमारा हदफ ये, जैसे आज हमने कल के दिन में 2 लाख वैक्सीनेशन का हदफ पूरे सिंध में पूरा किया है, तो वी आर टारगेटिंग कि हम पर डे 3 लाख पे चले जाएं सिंध में। अच्छा। ताकि जितनी मास वैक्सीनेशन कर सके। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आज खुद यहाँ पे रुक के एक जगह पे, ये क्लिफ्टन के बाहर हमने पार्क में बनाया हुआ एक, तो वहाँ पे रुक के मैंने खुद सबको समझाया कि देखें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, इसकी अवेयरनेस की और जरूरत है, और एडवाइजरीज जारी करने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कि जो हम पे तनकीद कर रहे हैं, अगर उतना सा उससे सिर्फ 5 मिनट टाइम ये इतना कर दें कि जो इनके हल्के हैं, जो इनकी लोग बात सुनते हैं, 5 हैं 10 हैं 15 हैं 20 हैं, अगर उन तक ये मैसेज ये पहुंचाएं कि भाई मास्क पहन लो, वैक्सीनेशन करवा लो, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तनकीद करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी।